तो गाइस यार हमारे साथ में हो चुका है एक तगड़ा वाला फ्रॉड, लगभग 10,000 रुपए का फ्रॉड। और गाइस फ्रॉड कैसे हुआ, कैसे मैं इस चीज़ से बच सकता था और आप लोग भी जो है इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, सारी जो बातें हैं आज हम लोग यहाँ पे डिटेल से करेंगे। तो गाइस मैंने जो है थोड़े टाइम पहले एक टेंट मंगवाया था अमेज़ोन से, जो कि मेरे को रिसीव हो चुका था। ये देखिए, ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से। और गाइस हुआ यूँ कि जब मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया ना, उससे 3-4 दिन बाद में ये मेरे को डिलीवर होने वाला था। और जब ये प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा था ना, तो मैं यहाँ पे था नहीं, तो मैंने सोचा यार कि चलो मेरे घर के पास में गाइस एक शॉप है, मैंने सोचा यार वहाँ पे मैं बोल देता हूँ और वो जो बंदा है वो प्रोडक्ट को वहाँ पे डिलीवर कर देगा। और गाइस यही जो है मैंने सबसे बड़ी यहाँ पे गलती करी। और गाइज जब वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा था ना, तो उसने मेरी उस बंदे से बात कराई जो हमारे पड़ोस में शॉपकीपर है, उससे बात कराई और उसको ना ये प्रोडक्ट दे दिया। और उसको देने के बाद में गाइज मैंने भी जो है उसको OTP वगैरह बता दिया। और उसके बाद में अगले दिन जब मैं घर पे आया और मैंने ये जो प्रोडक्ट था उसको चेक किया, गाइज इसकी जो कंडीशन थी वो देख के मेरे मन में जो है डाउट हो चुका था कि यार इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसीलिए दोस्तों मैंने जो है इसका प्रॉपर वीडियो बनाया। और गाइज जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, क्या बताऊँ यार आपको, मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया यार। सोचिए 10,000 रुपये के बदले आपको कोई कुछ इस प्रकार की चीज़ें अगर दे दे, ये देखिए ये फटे पुराने कच्चे बनियान, चड्डी बनियान अगर आपको मिले, ये देखिए इसमें और होगा, ये देखिए। मेरे को लगा था यार कि चलो अपने साथ में फ्रॉड हुआ है और मैंने इसका प्रॉपर वीडियो बनाया था, तो मेरे को लगा था यार इन सब चीज़ों के बाद में ना वो लोग मेरी बात सुनेंगे और मे भी शायद मेरा रिफ़ंड वगैरह मेरे को मिल जाए। लेकिन गाइस मैंने जब अमेज़ॉन कस्टमर केयर को कॉल करा, तो उन्होंने मेरे से 3-4 दिन का टाइम मांगा उन्होंने कि हम लोग जो है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद में ही आपको जो भी सारी डिटेल है हम लोग आपको बताएंगे। और जब 3-4 दिन के बाद में गाइस मैंने दोबारा से उनको कॉल करा ना, तो उन लोगों ने गाइस मेरे को ये बोल के मना कर दिया कि यार हमारे साइड से जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था ना, वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में डिलीवर हुआ था और इसमें हम लोग जो है आपके लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने मतलब मेरी जो बात थी वो सुनी नहीं। मैंने उनको बोला कि यार मैंने वीडियो भी बनाया है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो होना था वो तो हो चुका है। और शायद से अगर अमेज़ोन तक ये बात पहुँचे मेरी, अगर वो लोग चाहेंगे तो इसकी जो ऑर्डर ID वगैरह है सारी डिटेल मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग गाइस इस वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हो सकता है मेरी बात जो है अमेज़ोन तक पहुंच जाए। और मैं आपको बताता हूं कि आप लोग जो है इन सभी चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो गाइस अगर आप लोग जो है अमेज़ोन से या किसी भी मतलब ई कॉमर्स कंपनी से कुछ भी प्रोडक्ट अगर मंगा रहे हैं ना, तो अगर वो महंगा प्रोडक्ट है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट को केयरफुली बिल्कुल सही से देखना है, कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए। कहीं से अगर आपको लगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो टेम्पर्ड है, तो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करिए। तो गाइज़ अगर आप लोग जो है कोई भी महंगा प्रोडक्ट अगर मंगवा रहे हैं ना, तो उसको एज ए OBD मतलब ओपन बॉक्स डिलीवरी आप लोगों को लेनी है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी डिलीवरी बॉय आता है वो आपको ना प्रोडक्ट पूरा निकाल के और सही से चेक करा के आप लोगों को देता है। प्रोडक्ट जो है सही से तरीके से आप लोग देख के अच्छी तरह से उसको ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके ही आप लोग एक्सेप्ट करें, उसके बाद में ही जो OTP वगैरह है वो आप लोग उसको दें। और इसी प्रकार से गाइज आप लोग जो है अपना जो भी ऑर्डर वगैरह है, जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह मंगाते हैं, उसको एक्सेप्ट करिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है। अदरवाइज़ ना ये फालतू की चीज़ों में जो है आप लोग अटके रहोगे, आपका पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा और आप लोग ना अगर मेरी जैसी सिचुएशन होती है ना, तो उसके अंदर पैसा भी गया और मेंटली मतलब आप लोग डिस्टर्ब भी हो जाएंगे यार। 10,000 रुपये जो है बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। फ्लिपकार्ट वगैरह पे तो आप लोगों ने ज़रूर से सुना होगा कि मोबाइल की जगह लोगों के जो है मतलब साबुन की टिक्की निकल रही है, कुछ प्रोडक्ट निकल रहे हैं, उल्टा सीधा सामान निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें गाइज ऑनलाइन के अंदर जो है हो जाती है। मैं आपसे यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वीडियो है इसको थोड़ा आप लोग शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए कि यार इस प्रकार से ना चीज़ें होती है आजकल ऑनलाइन।